एग्रीगेट फ्रूट, तो एग्रीगेट फ्रूट वो हैं जो आपके पॉलीकार्पल एपोकार्पस पिस्टल के बने होते हैं। इसमें जो हर एक फ्री कार्पल्स होता है वो एक सिंपल फ्रूटलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो नंबर ऑफ कलेक्शन होते हैं जितने भी आपके फ्रूटलेट होते हैं वो कलेक्टली मिलके आपके जो एग्रीगेट फ्रूट बनाते हैं। तो जो ग्रुप होता है आपका एग्रीगेट जो फ्रूट होते हैं उसी के सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं इटीरियो, जो कि एक आपके फ्लावर से डेवलप हो रहा है। तो इंडिविजुअल ओवरी जो होती है वो डेवलप हो जाती है इनटू ड्रोप्स में, अकेंस में, फॉलिकल में या बेरी में। तो उन्हीं के बेस पे हम जो एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं, जैसे कि मैग्नोलिया, रासबेरी, अनोना, पोलियल्थिया, जैसे कि आपका इटीरियो फॉलिकल्स। तो इटीरियो फॉलिकल्स में जो आपके एग्रीगेट फ्रूट की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका आता है कैलोट्रोपिस, क्रिप्टोस्टेजिया, जिसमें टू फॉलिकल्स होते हैं। थ्री फॉलिकल्स में आपका कॉनिटम के होते हैं, जैसे ये आपका दिख रहा है 1 2 3। ध्यान रहे फॉलिकल्स में क्या था कि आपके एक ही सूचर से जो आपके फ्रूट जो आपके मतलब सीड जो है डिस्पर्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपके तीन बन रहे हैं, यानी कि एक तरफ से ये डिस्पर्स हो रहे हैं, लेकिन आपके जो है फॉलिकल्स जो आपके इसमें अकोनिटम में आपके जो है थ्री है, 1 2 3। जबकि इसमें माइकेलिया में जो है मैनी है, एक ही सूचर से निकल रहे हैं लेकिन मैनी है। तो ये हो गया इटीरियो ऑफ द फॉलिकल्स। इटीरियो ऑफ बेरी, तो बेरी में जो फ्रूट होता है वो नंबर ऑफ बेरीज से बना हुआ होता है। तो बेरीज में डिस्टिंक्ट होती है, जैसे कि एटाबोट ट्रीज में, पोलियल्थिया में बेरीज अगर फ्यूज है विद द थैलेमस, तो इसका एग्जाम्पल है कैस्टर्ड एप्पल। जैसे कि इसमें आपकी ये बेरीज दिख रही है कैस्टर्ड एप्पल में, ठीक है, और ये फ्यूज फॉर्म में है। इस जो एडेबल पार्ट होता है इसका जूसी मिजोकार्प होता है बेरी का। तो ये सारी बेरी जो है फ्यूज करके एक फ्रूट बना रही, तो दैट इज द एग्रीगेट बेरीज। नेक्स्ट आपका होता है एट्री ऑफ ड्रुप्स, यानी कि इसमें क्या है कि ड्रुप होगा, फ्रूट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ड्रुपलेट। ये जो होती है आपका फ्रूट जो होता है आपका डिस्क शेप या कॉनिकल थैलेमस पे जो है प्रेजेंट होता है, जैसे कि रास्पबेरी या ब्लैकबेरी। तो रास्पबेरी में आप देख रहे हो कि आपका जो फ्रूट है ये थैलेमस पे प्रेजेंट है। सेम चीज ब्लैकबेरी में आपकी इस तरीके से ये जो है एक प्रॉपर शेप बना रही है कॉनिकल, ये आपकी जो डिस्क शेप हो रही है थैलेमस के ऊपर ये जो है प्रेजेंट होती है। इटीरियो समारास, इसमें जो फ्रूट होते हैं वो नंबर ऑफ समारास की बनी होती है। एग्जाम्पल है इसमें एलेंथस ग्रैंडुलोसस, यानी कि आप ये कह सकते हो एलेंथस फैमिली जो जिनस है उसके जितने भी होते हैं आपके वो इटीरियो ऑफ समारा बनाते हैं। इटीरियो ऑफ आर्किन्स, तो आर्किन्स में जो फ्रूट होता है नंबर ऑफ आर्किन्स का जो बना होता है, जिसके रेनानकुलस और क्लेमेटिस से, इसमें परसिस्टेंट स्लाइड स्टाइल होता है इन आर्किन्स में, जो कि डिस्पर्सल में हेल्प करता है। लोटस में क्या है, लोटस में स्पंजी टॉप शेप्ड ग्रीन थैलेमस है एंड अकाइनेस जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं अपर सरफेस में, जैसे कि आपको ये दिख रही इसके अंदर की साइड है, तो ये आपके फ्रूट जो है इसमें एम्बेडेड है। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में जो है कन्वेक्स थैलेमस जो होता है आपका फ्लैशी हो जाता है। आर्किन्स जो होते हैं स्कैटर्ड होते हैं ओवर द सरफेस, अगर ध्यान से देखोगे ये छोटे छोटे आपको येलोइश नजर आ रहे, दीज आर द आर्किन्स। ये आपके फ्लैशी थैलेमस पे जो है स्कैटर्ड फॉर्म है, कहीं कहीं भी है, पर्टिकुलर शेप नहीं है। रोज रोज में एक्स जो होते हैं इनक्लोज होते हैं इन होलो रिसेप्टिकल्स थैलेमस, जिसे हम कहते हैं रोज ऑफ हिप्स, रोज हिप्स बोलते हैं। तो ये जो रेड कलर के दिखा रखे हैं आपको, तो ये जो आपके रोज हिप्स हैं। नेक्स्ट आपका आता है मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट, ये डेवलप होते हैं पूरी की पूरी होल इनफ्लोरिसेंस से अलोंग विद इट्स पेडेंकल्स ऑन विच दे आर बोरन। ऑल फ्लावर जो होते रैपन हो जाते हैं इन टू फ्रूटलेट टू फॉर्म ए कम्पैक्ट पैक्ड स्ट्रक्चर अलोंग विद द पेडेंकल्स, और एक सिंगल फ्रूट में इस पूरे की पूरे स्ट्रक्चर को जाना जाता है। ये रैपन होते हैं फॉल ऑफ ए सिंगल यूनिट, तो ये मोस्टली जो है शुद्धोकार्पिक होते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, सोरोसिस और साइकोनस।
सोरोसिस में क्या होता है, ये डेवलप्ड होते हैं फ्रॉम स्पाइक, स्पाइक में आपका पाइनएप्पल आता है, स्पेडिक्स मोस्टिया, फीमेल कैटकिन मलबरी में, फ्लावर इसमें जो फ्यूज टुगेदर बाय देर सकलेंट पेरेंट एंड एट सेम टाइम जो एक्सिस बियर करता है फ्लैशी और जूसी, होल इन फ्लोरिसेंट जो एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर मास बना देता है। एग्जाम्पल है जैसे पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, मलबरी, तो आप देख रहे हो कि मलबरी एक पूरा का पूरा जो आपके स्ट्रक्चर है ये आपके पूरा एक फ्रूट है। सेम चीज पाइनएप्पल एक पूरा फ्रूट है। देन साइकोनस, साइकोनस में क्या होता है, डेवलप फ्रॉम होते हैं मेल फीमेल फ्लावर हैपन थोड़ियम इनफ्लोरिसेंस, इसमें जो रिसेप्टिकल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्लैशी फ्रूट में विच एनक्लोज द फ्रूट और ऑर्गेन्स, इंटायर फ्रूट जो होते हैं रैपन हो जाते हैं इनटू फॉल्स कंपोजिट फ्रूट में, जैसे कि फाइकस की स्पीसीज, फाइकस में जैसे पीपल, बनियन, अंजीर, तो ये आपके जो है फॉल्स फ्रूट हैं, हाइपनथोडियम के बने हुए हैं, डेवलप्ड होते हैं रिसेप्टिकल ये फ्रूटी फ्लैशी जूस में जो आपके दिख रहे हैं येलोइश रेडिश, इसमें जो है आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट ये डिफरेंट आपकी ओवरव्यू है आपकी अभी तक जो आपने डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स पढ़े हैं, सिंपल फ्रूट के जैसे कि आपका बेरी का एग्जांपल टोमेटो वाला है, ड्रुप्स का मैंगो है, पिपो कुकुम्बर, हेस्पेरेडियम का ऑरेंज है, पोम एप्पल्स है, बैलुस्ट्रा आपका पोमिग्रेंट है, यानी कि सिंपल फ्रूट की हम उनकी बात करें जो फ्लैशी है, तो फ्लैशी में क्या थे हमारे कि जो आपकी पेरिकार्प थी वो डिफ्रेंशिएट थी। सेकंड आपका आता है आपके ड्राई फ्रूट्स जिसमें आपकी पेरिकार्प जो होती है डिस्टिंक्ट नहीं होती, तो इसमें फॉलिकल के एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, लेग्यूम के एग्जांपल पैजम, सिलिकुला का ब्रासिका, सिलिकुला का है कैप्सुला, लोकुली सैडल का है लेडीज फिंगर, सेप्टी सैडल का है दतुरा, तो ये आपके ड्राई डहेसेंस में आ गए। हिंड डहेसेंस में आके आपके आते हैं अकाइनी जिसमें आपके क्लेमेटिस एग्जाम्पल है, सिप्सिला एग्जाम्पल है ट्राइडेक्स का, क्राइप्सिस आपके ओरिजा या आपका जो है वीट, नट्स में ना कोडियम, समारा में आपके एसर आ जाते हैं एंड यूटिकल्स में आपके चिनोपोडियम आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जो कार्पिक फ्रूट उसका एग्जाम्पल, उसमें है आपके क्रीमोकार्प जिसमें कोरिएंडर आ जाते हैं आपके टू उसमें सेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं, कर्सिकुलस में है विटोलोन आपके फोर उसमें सेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं, लोमेंटम है मोसाइक्स का एग्जांपल आ जाते हैं, टिग्मा कैस्टर्ड जैसे आते हैं जिसमें ये अटैच्ड रहते हैं। एग्रीगेट फ्रूट में आपका नोना और पॉलीहेल्थिया आता है, जबकि आपके मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट जो एक पर्टिकुलर एक ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका एग्जाम्पल है सोरोसिस में जैक फ्रूट है, साइकोनस में आपके फाइकस स्पीसीज आ गई। नेक्स्ट आपका आता है एडिबल पार्ट्स ऑफ फ्रूट, तो कुछ हम फ्रूट लेते हैं फ्रूट टाइप की जैसे बेरी में टोमेटो में इसमें पूरा का पूरा होल फ्रूट जो है एडिबल होता है, ब्रिंजल है इसमें टेंडर फ्रूट यूज होता है, गुआवा है इसका होल फ्रूट जो है एडिबल होता है, डेट है इसका पेरिकार्प जो है एडिबल है, ड्रुप की बात करते हैं जैसे मैंगो है इसका मेजोकार्प जो है एडिबल होता है, कोकोनट का एंडोस्पर्म होता है, पीपो में कुकुम्बर की बात करते हैं तो इसका होल फ्रूट जो होता है एडिबल होता है, हेस्पेरेडियम की अगर बात करते हैं तो जिसमें आपके सिट्रस वगैरह आते हैं तो जिसमें जो जूसी हेयर्स होते हैं उन एंडोस्पर्म वो आपके एडिबल होते हैं, पोम एप्पल की बात करते हैं तो उसमें थैलेमस जो आपका है और पेरिकार्प का कुछ पार्ट जो होता है एडिबल होता है, बालुस्टा पोमिग्रेंट की जब हम बात करते हैं तो इसका सकेलन टेस्ट जो होता है सीड्स का वो एडिबल होता है, लेग्यूम्स में सीड्स एडिबल होते हैं, स्लिकवा में भी जो आपके सीड्स जो है एडिबल होते हैं। नेक्स्ट आपको आता है पोरिसिडियल कैप्सूल, ओपिक की बात करते हैं तो उसमें सीड्स आपका एडिबल है, लोकली सैडल यानी कि लेडीज फिंगर इसमें टेंडर फ्रूट आपका एडिबल है, कैप्सुला का कैप्सुला में जैसे सनफ्लावर उसका सीड्स से जो है ऑयल मिलता है हमें ऑयल यूटिलाइज प्रैक्टिकली यूज करते हैं, क्रायोप्सिस मेज और पैडी आ जाते हैं या आपका वीट भी कह सकते हैं इसमें तो सीड्स है आपका एडिबल है, नट्स कैसिव नट्स तो पेडेंगल्स फ्रूट में और कोटिलेडन टू फ्रूट में होता है एडिबल, क्रीमो कार्प्स जैसे कि आपका
कोरिएंडर है तो उसका मिजोकार्प एडिबल होते हैं। लोमेंटम की बात में करते हैं तो टच मी नोट यानी मिमोसा प्लांट की बात करते हैं तो उसमें सीड्स एडिबल है। एग्रीगेट फ्रूट में अगर हम कैस्टर्ड एप्पल की बात करते हैं तो वहाँ पे पेरिकार्प एडिबल है आपका। कंपोजिटिव फ्रूट की बात करते हैं तो सोराइसिस की बात करते हैं तो वहाँ पे जैक फ्रूट आपका जो है पेरियंथ और सीड जो है एडिबल पार्ट होती है। पाइन एप्पल में जो आपकी पेरियंथ और रस्चीज ये आपके एडिबल पोर्शन होते हैं। मलबरी में आपका जो है होल जो फ्रूट होता है वो एडिबल होता है। साइकोनस में हम फिक की बात करते हैं तो वहां पे जो है होल इन फ्लोरिसेंस जो होती है आपकी एडिबल होती है। फंक्शन ऑफ फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट की फंक्शन क्या है तो पहला है ये एडिबल पार्ट होता है जो कि सोर्स होता है फूड का एनर्जी का फॉर एनिमल्स। सेकंड है सोर्स ऑफ मैनी केमिकल्स लाइक द शुगर पेक्टिन ऑर्गेनिक एसिड विटामिन एंड मिनरल्स। ये सीड्स को भी प्रोटेक्ट करता है अंडर द अनफेवरेबल क्लाइमेट्स कंडीशन और एनिमल्स। तो जो ये फ्रूट्स होते हैं वो आपके जो है ड्राउट कंडीशन में चला जाते हैं और जैसे फेवरेबल कंडीशन आते हैं ये आपके जर्मिनेट कर जाते हैं। फोर्थ आपका आता है कि हेल्प करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में, ठीक है, दूर तक, क्योंकि जितने ये फ्लैशी और ड्राई हो गए उनके बेस पे होता है। फ्लैशी जो होते हैं जल्दी खराब हो जाते हैं और जो ड्राई होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, तो जो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं वो दूर तक जो डिस्टेंस प्लेस पे ले जाए जा सकते हैं। फिफ्थ आपका आता है सर्टेन केसेस की बात करते हैं तो फ्रूट जो होते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग सीडलिंग को। इसके अलावा ये सोर्स ऑफ मेडिसिन होता है ह्यूमन के लिए।